हेलो स्टूडेंट्स, ये बीएससी फाइनल में जो पेपर फर्स्ट है आपका, उसमें हम लास्ट यूनिट में पहुंच चुके हैं। दैट इज़ यूनिट 5। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ फिशेस। ओके, माइग्रेशन जैसा आपने बर्ड्स में देखा होगा, माइग्रेशन हज़ारों किलोमीटर दूर से उड़ के आती हैं बर्ड्स, है ना। फॉर किस चीज़ के लिए बर्ड माइग्रेट करती है, जैसे कि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो एडवर्स हो जाता है, या फूड की कमी हो जाती है, या फॉर ब्रीडिंग के लिए। इसी तरह से फिशेस में भी माइग्रेशन होता है, ये फ्रेश वाटर से मैरिन वाटर और मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है अकॉर्डिंगली, ज़रूरत के हिसाब से। और केवल मैरिन वाटर में ही काफ़ी लंबा माइग्रेशन हो जाता है, इसी तरह से सेम फ्रेश वाटर में भी, केवल उसमें हज़ारों किलोमीटर्स का माइग्रेशन ये करते हैं, और फूड के लिए और स्पॉनिंग ग्राउंड को ढूंढने के लिए, एग लेइंग के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, इंट्रोडक्शन। फ्यू स्पीसीज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च और फूड और फॉर ब्रीडिंग। दिस मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेज फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग और स्पॉनिंग इज नोन एज द माइग्रेशन। जो फीडिंग या स्पॉनिंग के पर्पस से इस तरह से फिश जो माइग्रेट करती है, उसको फिश माइग्रेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकर, इट इज़ द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेशल यूनिट टू अनदर। अकॉर्डिंग टू निलोस्की, माइग्रेशन इज एन एडेप्टेशन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज। अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। माइग्रेशन बिहेवियर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द फिनोमेना इन द लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ द फिश डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस। माइग्रेटरी स्पीशीज, अब मतलब फिश की कौन कौन सी स्पीशीज माइग्रेट करती है, जिसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सेवरल स्पीशीज आर माइग्रेटेड ऑफ मेच्योर एडल्ट्स फॉर स्पॉनिंग एंड फीडिंग। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी फिशेज। कौन कौन से फिश है, जैसे कि कॉड है, हेरिंग्स है, सालमोन है, ईल है, हिल्सा है ना। थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक, ये बहुत फेमस फिश है स्टिकल बैक। लैम्प्रेज हैं जो पेट्रोमाइजोन है, इसके लार्वी, और टूना फिश, ये सारे जो हैं ये माइग्रेटरी फिशेज हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, किस किस तरह का माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मे बी द फॉलोइंग टाइप्स। एलिमेंट्री माइग्रेशन, दिस इज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये किसके लिए होता है, वाटर और फूड के सर्च के लिए जो माइग्रेशन होता है, उसको एलिमेंट्री माइग्रेशन कहते हैं। गेमेटिक माइग्रेशन, ये होता है फॉर रिप्रोडक्शन। एंड क्लाइमेटिक माइग्रेशन किस लिए होता है, टू सिक्योर मोर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और अच्छे सुटेबल कंडीशन की तलाश में माइग्रेट करते हैं। और अगला नेक्स्ट होता है ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन। नाउ मेथड ऑफ माइग्रेशन, किस तरह से ये माइग्रेट करते हैं। फिश कैन मेक माइग्रेटरी मूवमेंट्स बाय सेवरल मेथड्स। नंबर वन, बाय ड्रिफ्टिंग। फिश आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। मतलब वाटर करंट के साथ जो ये इनका मूवमेंट होता है पैसिवली, उसको नेचुरली अपन कॉमनली ड्रिफ्ट कहते हैं। एंड मे रिजल्ट इन डायरेक्शनल मूवमेंट्स इफ द ओवरऑल वाटर मूवमेंट इज वन डायरेक्शन। अगर ये वाटर का मूवमेंट केवल एक डायरेक्शन में चलता रहे तब। रेंडम लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट्स दैट आर रेंडम इन डायरेक्शन लीड टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और टू एन एग्रीगेशन। इफ द फिशेज आर रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म एनवायरमेंट एंड स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मतलब एक जगह से रवाना होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाती हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्सल। एंड लीड्स टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज़। इस तरह से किसी भी स्पीशीज़ का यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ ओरिएंटेशन स्विमिंग मूवमेंट्स। फिशेस स्विम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिशेस क्या है, नॉर्मली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती है, जो कि अपने इनके अंदर कुछ ऑल्फैक्ट्री और दूसरे तरह के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, या जो अपना सन का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होता है उसके हिसाब से भी फिश जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है, आइदर टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। या तो सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन के टुवार्ड्स चलेगी या फिर उससे दूर चलेगी, एट सम एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन रनिंग बिटवीन दैम एंड सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। मतलब फिश और जो इनका सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन है इसके बीच एक इमेजिनरी लाइन सी अपन परिकल्पना कर सकते हैं। ये देखिए एक स्कीम है, ये कैसे अलग अलग हैबिटाट एक से दूसरे हैबिटाट में फिश जाती है, विंटर हैबिटाट है, स्पॉनिंग हैबिटाट है ना। इसमें देखिए आप फीडिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए और दूसरे कारणों से इस तरह से ये फिशेस माइग्रेट करती है। पीरियोडिसिटी ऑफ माइग्रेशन। मोस्ट ऑफ माइग्रेशन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड मे बी डेली, मंथली, सीजनली, ईयरली, बायोनली और लॉगर। ये जो माइग्रेशन होता है अलग अलग तरह का होता है और रेगुलर इंटरवल पे होता है, मतलब हर स्पीशीज़ में अलग तरह का होगा, किसी में डेली होगा, किसी में मंथली सीजनली होगा या ईयरली होगा या फिर साल में दो बार होगा या इससे भी अधिक हो सकता है। द स्पेसिफिक सालमन मे रिमेन एट सी फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर रिटर्निंग टू द स्पॉनिंग ग्राउंड्स। लार्वी ऑफ पेट्रोमाइजोन मे स्पेंड सेवरल ईयर्स इन द मड बिफोर मेटामॉर्फोसिस एंड माइग्रेशन टू सी। ये जो पेट्रोमाइजोन की लार्वी होती है वो कई सालों तक मड में रहती है और मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर ये सी की तरफ माइग्रेट कर जाती है। ईल स्पेंड सेवरल ईयर्स फीडिंग इन फ्रेश वाटर। ईल जो एंग्विला फिश होती है बहुत सालों तक फ्रेश वाटर में ही फीड करती है बिफोर अंडरटेकिंग स्पॉनिंग माइग्रेशन टू सी, और स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन यहाँ सी में माइग्रेट कर जाती है। द पीरियडिसिटी दस वेरीज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड इवन विद इन अ स्पीसीज एंड अपीयर्स टू बी ड्यू टू मैनी बायोटिक एंड अबायोटिक इनिशिएटिंग फैक्टर्स। मतलब ये जो पीरियडिसिटी है इस पर कई सारे फैक्टर काम करते हैं, ये हर स्पीशीज में अलग हो सकती है, विद इन स्पीशीज में भी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है ड्यू टू मैनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कारण। अब आप ये देखिए, ये एक तरह का मार्किंग एंड टैगिंग है कि किस किस रूट से फिश जो है माइग्रेट करती है। जैसे आपने बर्ड्स के देखा होगा पंजों में उनके छल्ला वल्ला लगाते हैं, रेडियो कॉलर वगैरह, जिससे कि उसका पूरा रूट पता लगता है कि ये क्रेन जो साइबेरिया से आई है या कहाँ से आई है। इसी तरह से फिश के रूट को भी ट्रेस करने की कोशिश की जाती है, इसको कहते हैं मार्किंग एंड टैगिंग। इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ फिश माइग्रेशन, इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट कैन बी स्टडीड बाय मार्किंग एंड टैगिंग ऑफ फिश फॉलोड बाय रैप्चर। ठीक है, इसके माइग्रेशन के पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए इसकी कितनी स्पीड है, इसका क्या डायरेक्शन है, इन सब के लिए ये मार्किंग और टैगिंग की जाती है। देखिए फिगर बना हुआ है नीचे, द मार्क और टैग मस्ट बी इजीली आइडेंटिबल एंड मस्ट स्टे विद द टिल एंड ऑफ द स्टडी। मैनी टाइप्स ऑफ टैग्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर अटैचमेंट टू द फिश और फिश फॉर रिकॉग्नाइज। कई तरह के इसमें डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, इसमें टैग लगाया जाता है फिश में ताकि इसको कहाँ से चली है, जहाँ पे वापस इसको कैच की जाती है तो उस दौरान उतने टाइम के लिए वो टैग उस पर सुरक्षित रहे। तो इस तरह से इसकी मार्किंग एंड टैगिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे पैटर्न ऑफ माइग्रेशन या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन,
ये कौन सी फिश है, किस तरह से फ्रेश वाटर से मैरिन वाटर में जाती है और किस तरह से मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है या वाइस वर्सा होता है, इस तरह के कैटेगरी का हम स्टडी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।